नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रांड रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे। तालिबान के खिलाफ अफगान के पक्ष में उठी आवाजें। पंजाब के किसानों का गन्ने के मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। दी पंजाब बंद करने की चेतावनी। पेगासस की जांच कराने से क्यों बच रही है सरकार? क्या इसराइल की NSA खुद ही कर देगी मामले का पर्दाफाश? धर्मांतरण विरोधी कानून को गुजरात हाईकोर्ट का झटका। क्या अगला नंबर होगा UP और MP का? और आखिर में कोरोना अपडेट। देश में 24 घंटों में संक्रमण के 25,467 नए मामले, 354 लोगों की गई जान। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने सिविल सोसाइटी द्वारा तालिबान के खिलाफ और अफगानी औरतों और जनता के पक्ष में आयोजित प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की। देश भर में आयोजित ऐसे विरोध प्रदर्शनों में भारत सरकार से अफगानी जनता के पक्ष में खड़े होने की अपील की गई। तालिबान के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नवरति एजेंडे को त्यागने की भी अपील की गई। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं भाषा और इस समय न्यूज क्लिक की टीम के साथ हम खड़े हैं मंडी हाउस पर। यहाँ अफगान जनता के पक्ष में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। यह प्रोटेस्ट अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है। यह सवाल उठा रहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के ऊपर जिस तरह के अत्याचार का इतिहास रहा है तालिबान का, उसमें कोई भी महिला तालिबान के कैरेक्टर पर, तालिबान का जो पूरी की पूरा नेचर है, उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं। और साथ ही साथ आज का जो प्रोटेस्ट है वह भारत सरकार से यह मांग करने के लिए भी प्रोटेस्ट है कि अफगानी जनता के पक्ष में उसे खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून को एक राजनीतिक धार बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से आने वाले सिर्फ हिंदू और सिख को ही यहाँ जगह मिलेगी, उसके खिलाफ भी यहाँ पर आज मोर्चाबंदी है। आपको यह बता दें कि यह प्रोटेस्ट राष्ट्रीय स्तर पर कॉल दिया गया था, जहां पर पूरे देश में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है अफगानी जनता के पक्ष में। आज हम लोग यहां पे जो अफगानिस्तान में जो हालात है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक तरीके का हुआ, अमेरिका का दो डिकेड का साम्राज्यवाद के बाद जिस तरीके से, जिस तालिबान से लड़ने के नाम पर अमेरिका ने इंटरवीन किया, उसी तालिबान के हाथ में सत्ता सौंप के भाग गया है। भाषा जी, भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी हमारे पड़ोसी देश में या विश्व में किसी भी देश के अंदर अगर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को, वैज्ञानिक सोच को अगर कुचलने वाली कोई मध्ययुगीन ताकत सत्ता में होती है, तो ये हर लोकतांत्रिक सोच वाले व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। कविता, ये बताएं कि अभी जो सबसे बड़ी मांग है वो क्या है, और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अमेरिका सेना वापस गई है, क्योंकि 20 साल तक अमेरिकी सेना वहाँ थी, उस समय भी विरोध हुआ था जब अमेरिका ने हमला किया था, और उसके बाद जब अमेरिका सेना गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए, मैं मानती हूँ, आप भी थी भाषा, आप अच्छे से जानती हैं कि 2001 में किस तरह से यहाँ बड़ी रैली निकली थी अमेरिकी कब्जे के खिलाफ, हम सारे लोगों ने किया था। आज वो कब्जा तो खत्म हुआ है, लेकिन अमेरिका एक तरह से अपने एजेंट के रूप में, मैंने सत्तांतरण करके तालिबान को छोड़ गई है। अग्रीमेंट हुआ है पिछले साल से, ऐसे अचानक नहीं आई है तालिबान। तो हम चाहते हैं अफगानिस्तान की जनता को इस तरह से भयभीत हो करके, इस तरह से प्लेन से लटक करके भागने की नौबत और ये सारे भयानक हालात ना हो, बल्कि उनको आज़ादी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करके अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिले। चुनी हुई सरकार तो भाग गई, वो तो खड़ी नहीं हुई। सरकार तो अमेरिका की पिट्ठू थी, है ना? पिट्ठू सरकार को हम उस तरह से क्या माने कि चुनी हुई सरकार थी, और इसलिए भागी है वो क्योंकि भाई उसको वो भी क्या करती, क्योंकि ये तो तालिबान के साथ जब अमेरिका ने समझौता कर दिया, अमेरिका अपनी ताकत को इस पिट्ठू से चेंज करके उस पिट्ठू के पीछे लगा दी, तो वो करेगी क्या? वो तो भाग खड़ी हुई। हम मानते हैं कि नए तरीके से सरकार बनाने का, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट हो जिसमें सारे लोग इंक्लूडेड हो, महिलाएं भी, माइनॉरिटीज भी, और वो जो है उनको एक UN मॉनिटर्ड इलेक्शन हो जिसमें वो नया संविधान भी बनाने लायक एक सरकार, एक संसद को चुने। पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों के गन्ना किसान 20 अगस्त से धनोवली के पास जालंधर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। चंडीगढ़ में
पंजाब सरकार के साथ कल यानी सोमवार को ही बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस कारण किसान अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह गन्ना के दाम एवं लंबित बकाए के भुगतान को लेकर पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ मंगलवार को बैठक करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक रेलवे लाइन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। पंजाब सरकार द्वारा किसान संगठनों के साथ साझा किए गए उत्पादन की लागत के आंकड़ों को वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब सरकार गन्ने के अपने SAP में कोई वृद्धि नहीं की है, भले ही उनके अपने शोधकर्ताओं के आंकड़े फसल की उत्पादन लागत में वृद्धि दर्शाते हैं। गन्ना उत्पादक इस बात से नाराज हैं और चिंतित हैं कि राज्य सरकार फसल विविधीकरण का प्रयास कर रहे किसानों को पर्याप्त समर्थन के बिना फसलों के विविधीकरण की बात कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने पड़ोसी हरियाणा की तुलना में इसकी कीमतें बहुत कम रखी हैं और अब तक बकाया का भुगतान भी नहीं किया है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में केंद्र सरकार ने यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसने जासूसी कराई है या नहीं। वह ये भी नहीं बताना चाहती है कि उसने इसराइल की एजेंसी NSO से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं। उसने इन दोनों सवालों का संसद में भी कोई जवाब नहीं दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वह राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर इस सवाल से बचने की कोशिश करती दिख रही है। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष पूरे समय इस मामले पर बहस कराने की मांग करता रहा, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। पूरा सेशन शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में तो शोर शराबे के बीच सरकार ने अपने सुविधाजनक बहुमत के जरिए तमाम विधेयकों को बिना बहस के ही पारित करा लिया। राज्यसभा में भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब बीमा क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने वाले विधेयक को पारित कराने में उसे दिक्कत आई तो उसने विपक्षी सदस्यों को चुप कराने और सदन से बाहर निकालने में मार्शलों और मार्शल की वर्दी में कथित तौर पर बाहरी तत्वों की मदद लेने से भी गुरेज नहीं किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में आधा अधूरा हलफनामा ही पेश किया है। इस पर पहले तो अदालत ने भी हैरानी जताई और प्रधान न्यायाधीश नाथुलापति वेंकट रमन ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे थे कि सरकार विस्तृत हलफनामा देगी, लेकिन सरकार ने सीमित हलफनामा दिया। उसके बाद सरकार के कानूनी अधिकारियों ने कहा कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़ा है, लिहाजा विस्तृत हलफनामा नहीं दिया जा सकता। इस पर अगली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर सर्वोच्च अदालत में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला ऐसा बन गया है कि याचिका दायर करने वाले पत्रकार NRAM और शशि कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बातों की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। अनिल जैन का ये पूरा लेख आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने 19 अगस्त 2021 को पारित एक अंतरिम आदेश में गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। ये जमीयत उलमाए हिंद की ओर से दायर उस याचिका में एक जवाब में जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि इस साल जून में पारित इस अधिनियम के कुछ हिस्से असंवैधानिक हैं। उन राज्यों की ओर से इसी तरह से कई कानूनों को या तो पारित कर दिया गया था या फिर पारित करने की योजना बनाई जा रही थी, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इस अधिनियम में खास तौर पर शादी के जरिए महिलाओं के धोखाधड़ी के साथ धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस अधिनियम के जरिए खास तौर पर हिंदू महिलाओं के मुस्लिम पुरुषों के साथ शादी किए जाने को रोकने की कोशिश की गई है, जब महिलाओं का शादी करने के चलते धर्मांतरण करवा दिया जाता है। देश में एक दिन में COVID-19 के 25,467 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,24,74,773 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मामलों की संख्या कम होकर 3,19,551 पर आ गई है, जो कुल मामलों का 0.98% है। देश में करीब 156 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या इतनी कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 354 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,35,110 हो गई है। देश में अभी 3,19,551 एक्टिव मामले हैं। आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में एक्टिव मरीजों की संख्या में कुल 14,330
73 मामलों की कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर अब 97.68% है। देश में अभी तक कुल 3,17,20,112 लोग ठीक हो चुके हैं और COVID-19 मृत्यु दर 1.34% है। देश में मंगलवार सुबह तक COVID-19 टीकों की कुल 58,89,00,000 खुराक दी जा चुकी हैं। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।